सर मैं हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट का कोर्स करना चाहता हूँ। सर मैं हेल्थ सेफ्टी कोर्स करना चाहता हूँ। सर मैं हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स करना चाहता हूँ। सर प्रॉब्लम क्या है, करिए सर, क्या दिक्कत है। अब इसके बाद उस क्वेश्चंस के दौर शुरू हो रहे हैं। ये दो तरह के लोग करते हैं, उसको समझ लेते हैं। आपका क्वेश्चन आप ही की भाषा में, आपको जवाब भी मैं दे रहा हूँ अपने भाषा में। हेल्थ सेफ्टी का कोर्स करना है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन शुरू होता है, सर क्या मैं ऑनलाइन कर सकता हूँ? जवाब, जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। सर ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या अंतर है? अंतर सर है, ऑनलाइन में आप अपने घर से रह के पढ़ाई करेंगे, ऑफलाइन में आपको कैंपस में जाना पड़ेगा, आपको फूडिंग लॉजिंग का खर्चा बढ़ जाएगा। सर क्या बेनिफिट होगा दोनों में? ऑनलाइन कोर्स करते हैं तो बेनिफिट ही होगा, आपके पैसे बचेंगे, आपके समय भी बचेंगे, आप अपने और काम भी कर सकते हैं। सर सर्टिफिकेट पे ऑनलाइन लिखा रहेगा कि ऑफलाइन लिखा रहेगा? सर दोनों का सिलेबस एक होता है, बस मोड बदल रहा है। दोनों का सिलेबस एक है, दोनों का सर्टिफिकेट एक है, दोनों का हर चीज़ एक है, सिर्फ मोड बदल रहा है। सर मैं ऑनलाइन कोर्स कर रहा हूँ तो हमारी प्रैक्टिकल कैसे होंगे? सर आपका प्रैक्टिकल भी होगा, वर्कशॉप इसीलिए तो है। आप जिसे मान लो एक साल की पढ़ाई है, दो साल की पढ़ाई है, तीन साल की पढ़ाई है, आप थियरी क्या करते हैं? जो भी चीज़ें होती हैं वह आप इस टेक्नोलॉजी के बेस पे आप पढ़ लेते हैं। और जो चीज़ें आप जी जरा सोचो, जो बातें आप मुझे देख रहे हो, मुझसे बात कर रहे हो और मेरे वीडियोस पे हो, तो मुझे आप समझ पा रहे हो, मैं भी आपको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्या होता है कि जो चीज़ें मैं क्लासरूम में कर रहा हूँ, वही चीज़ें क्लासरूम की सारी चीज़ें आपकी रिकॉर्ड होती है और आप तक पहुँच जाती है। अब आप बताइए ऑफलाइन और ऑनलाइन में कितना अंतर आप महसूस करते हैं? सिर्फ एक अंतर है, और वो भी अंतर देखा जाए तो वो समाप्त हो जाता है। ऑफलाइन जो क्लासेस चलते हैं, ऑफलाइन में अगर एक लेक्चर चला और 10 दिन बाद पुनः उस लेक्चर को हम सोचें कि पूरा दोबारा हम करें, दोबारा क्लास अटेंड करें, तो शायद एज इट इज़ आपको नहीं मिल पाएगा, आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम ज़रूर आएगी। लेकिन ऑनलाइन में क्या है, जो वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हुए, जो आपको लाइव चीज़ें मिली, वो तो ऑलरेडी आपके पास है, एक बार नहीं जितनी बार मर्जी उतनी बार पढ़िए। अब देखिए, अगर एक क्वेश्चन और आता है कि सर अगर ऑनलाइन मैं कोर्स कर रहा हूँ, अगर कोई क्वेश्चन आया, कुछ मुझे पूछना है तो मैं क्या करूँ? सर रास्ते बता देता हूँ, ऑलरेडी आपको मालूम है, आपके पास व्हाट्सएप है, आप व्हाट्सएप में आप अपना वॉयस रिकॉर्ड करिए और मुझे भेज दीजिए, हमारे एक्सपर्ट को भेज दीजिए, वो आपसे आपको जवाब देंगे। आप मेल भेज सकते हैं, आप मुझे मेल भेज दीजिए, आप मेरे साथ लाइव आ जाइए, मैं लाइव आपको बताऊँगा। और देखिए ये तमाम टेक्नोलॉजी है सर, वो वक्त गया कि जब आपको लेटर बॉक्स में लेटर डालने होते थे और तमाम चीज़ें, वो ख़त्म हो गया सर। प्लीज़ सोचना बंद करिए, करना शुरू करिए। आज हर जगह से लड़के ऑनलाइन का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो आप इसका लाभ क्यों नहीं ले रहे हैं सर? और दूसरी बात, इस समय अगर कोर्स बुक करते हैं तो आपको फेस्टिवल ऑफर का जो है एडवांटेज मिल जाते हैं, लाभ मिल जाते हैं, आपको 200-400 रुपये नहीं, हजारों रुपए की आपकी बचत हो सकती है। सर आज ही कोर्स बुक करिए और जल्दी बुक करिए, कहीं ऐसा ना हो फेस्टिवल समाप्त ऑफर समाप्त, फिर आप कहेंगे सर अब तो फीस ज़्यादा हो गई, पहले तो आपने बहुत कम बताया था या फिर वहाँ से बताया गया था, तो वहाँ पे दिक्कत होगा कि वह ऑफर में था सर और यहाँ पे अब ऑफर नहीं है, तो आई एम रियली सो सॉरी सर। तो प्लीज़ सोचना बंद करिए, आज ही कोर्स बुक करिए और अपना लाभ लीजिए, कम पैसे भी हैं सर, जितने भी कॉलेज हैं, जितने भी इंस्टीट्यूट हैं इंडिया में, सबसे कम पैसे अगर कहीं लगते हैं तो आपके SST इंस्टीट्यूट में लगते हैं। तो आज ही बुक करिए, सोचना बंद करिए, हर एक चीज़ आपका होगा, आपका हर एक चीज़ होगा। तो इसी के साथ हम इजाज़त दीजिए, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।